Good afternoon to all of you. How are you all? I hope you all are fine. First of all, welcome to you all in my YouTube channel. This is Adab Jahangir. I am very thankful to everyone. You all have given me lots of love to my previous video. Yes, previous video was dining table etiquette. Yes, in dining etiquette and table manners, I have discussed too many things, and you all have given lots of love to me. I am really thankful to you all. आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच टू यू ऑल. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के सामने इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, जो कि बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग और ये सारी चीज़ें बची हुई हैं. तो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ. तो क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है. सो रेडी टू लर्न समथिंग न्यू विद अदब सर. Yes. Welcome to my channel. जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे बहुत सारे वर्ड्स जो कि हम डाइनिंग एटिकेट में यूज करते हैं. पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, उसको मैं कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास को आगे बढ़ाऊंगा. हम लोगों ने क्या किया था? खाना खा लिया था, अपने हाथों को धो लिया था और सारी चीजें हो गई थी. ठीक है. अब उसमें एक चीज और आती है, जब हम खाने के बाद जाते हैं बिल पे करके, तो कभी कभी हमें क्या दी जाती है? माउथ फ्रेशनर दिया जाता है. दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता है. तो उस माउथ फ्रेशनर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या दिया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, आपने देखा होगा, उसमें कुछ सौंफ होती है और कुछ मिश्री होती है, वो आपको दिया जाता है. तो मिश्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और शुगर को तो आप जानते ही हैं, चीनी, लेकिन मिश्री को क्या कहते हैं? और उसके साथ साथ सॉफ्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मैं बताऊंगा आपको. सॉफ्ट को इंग्लिश में कहते हैं, जी जी यस, एब्सोल्युटली राइट, हम कहते हैं फेनल. फेनल सॉफ्ट को इंग्लिश में कहते हैं. और शुगर कैंडी, शुगर कैंडी हम कहते हैं किसको? जी हाँ, मिश्री को. अब तो ये हो गई बातें. उसके बाद कभी कभी कुछ लोगों को खाने के बाद क्या आती है? डकार आती है. जी हाँ, तो डकार को इंग्लिश में कहते हैं बर्प. क्या कहते हैं? बर्प. जी हाँ, उसको कहते हैं हम बर्प. उसके साथ साथ जो है, बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं तो एक डिफरेंट तरह का जो है साउंड क्रिएट करते हैं ना, यम 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 ना, चपर चपर जिसको कहते हैं हम लोग. तो एटिकेट क्या कहता है कि हम जब भी चीजों को खाएं तो अपने माउथ को लाइक दैट, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इंग्लिश में कहेंगे चॉम्प. चॉम्प मीन्स चपर चपर करके खाना. ठीक है. अब इसके बाद बात आती है, जो लोग खाने के शौकीन होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो लोग खाने के शौकीन होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो खाने के जो शौकीन होते हैं उनको हम कहते हैं फूडी. क्या कहते हैं? फूडी. जी हाँ, उनको हम कहते हैं फूडी. उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो हम देखेंगे कि चीजें जो होती हैं, जैसे खाना क्या हुआ, हम रास्ते में चल रहे हैं, अब हम कह रहे हैं, अब होटल से हम निकल चुके हैं, अब रास्ते में किसी को क्या आ गई? बर्ब आ गई. किसी को जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती रहती हैं. अब उसके बाद खाना क्या था? बहुत स्वादिष्ट था. क्या था? स्वादिष्ट. तो स्वादिष्ट को इंग्लिश में हम क्या क्या कहेंगे? जी हाँ, वेरी गुड, टेस्टी फूड, वेरी नाइस. सेकेंड क्या होता है? यस, यमी होता है. और उसके बाद क्या होता है? हाँ 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 हाँ, यस यस, वेरी गुड. उसके बाद होता है डिलीशियस. और कुछ वर्ड्स जो आपको आ रहे हो? नहीं आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं. तो इंग्लिश में जो हम स्वादिष्ट को कहते हैं उसमें डिलीशियस, यमी, हाँ, टेस्टी, प्लेटेबल एंड स्कम्पशंस. सो दीज आर द थिंग्स वी विल से टू वॉट? स्वादिष्ट. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब हम इन सारी चीजों को समअप करते हुए आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे. क्या
नेक्स्ट सेगमेंट ये होता है कि मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोगों को कुछ वर्ड्स की इंग्लिश नहीं आती। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये कप, कप के नीचे एक छोटी सी प्लेट रहती है, ठीक है। तो अगर से सपोज आपको कहीं जाना हो, इफ यू गो टू मार्केट एंड यू वॉन्ट टू परचेज द थिंग्स, हाँ, तो आप मार्केट में जाके क्या कहेंगे, भैया क्या मुझे वो कप मिलेगा प्लेट वाला? इट्स लुक वेरी ऑडवर्ड ऑकवर्ड, इट्स लुक वेरी ऑकवर्ड। तो आपको यू शुड नो द इंग्लिश ऑफ दैट वर्ड, यू डेफिनेटली नीड टू नो इट। तो उसको हम कप वाला प्लेट या नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम बोलते हैं सॉसर, सॉसर। सो कप विथ सॉसर, कप विथ सॉसर, यस एग्जैक्टली। उसके बाद एक इंग्लिश और जो बहुत ही कॉमन है लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे बता देना चाहिए, वो है क्या, हाँ, जो हम फ्रूटी या ये सब पीते हैं तो उसमें एक चीज दिया है, तभी लोग उसको कहते हैं पाइप, है ना। बचपन में मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना था, हाँ, और तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें पता नहीं, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉ। जी हाँ, पाइप मत कहिएगा, दुकानदार के पास जाइएगा, शॉपकीपर के पास कहिएगा, भैया इसमें पाइप नहीं दिए हैं, वो पीने वाला पाइप दे दीजिए, तो इट लुक वेरी ऑड। ओके, ये हो गई। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं और भी चीजों को, जैसे हम लोग स्पून्स जानते हैं, स्पून्स, स्पून्स कितने तरह के होते हैं। स्पून्स एक होता है टी स्पून, टी स्पून विच स्पून वी यूज टू मिक्स द शुगर इन टी, है ना, जैसे कितने एक चम्मच लेना है दूध, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टी स्पून बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड स्पून जो आता है वो होता है टेबल स्पून, टेबल स्पून जनरली वी यूज टू ईट इट, हाँ, ईट इट, सो दैट इज कॉल्ड टेबल स्पून। उसके बाद जो आता है सर्विंग स्पून, ठीक है, सर्विंग स्पून, तो जो चीज हम सर्व करने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्विंग स्पून कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अब उसके बाद सर्विंग स्पून हो गया, अब आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं जिससे सैलेड निकालते हैं, सैलेड जिससे निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, सैलेड जिससे निकालते हैं उसको हम कहते हैं क्या, सैलेड सर्वर, सैलेड सर्वर, वो डिफरेंट तरह का थोड़ा होता है, ठीक है, उसको हम सैलेड सर्वर कहते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज आती है, और टोंग को हम किस लिए यूज करते हैं, जी हाँ, टोंग जो होता है जिससे हम आइस क्यूब को होल्ड करते हैं, होल्ड करके उसको हम ग्लास में डालते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा टोंग। उसके बाद फोक आप जानते ही हैं, फोक जनरली वी यूज इट, फोक एंड नाइफ एवरीवन नोज इट। उसके बाद होता है चीज कटर, चीज कटर का यूज हम करते हैं चीज को कट करने के लिए, दैट इज नोन एज चीज कटर, नाइफ यू नो वेरी वेल। अब हम आते हैं प्लेट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेट देखिए, एक होती है क्वार्टर साइज प्लेट, एक होती है मिडिल साइज प्लेट, और एक होती है लॉन्ग प्लेट, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आइस क्यूब आप जानते ही हैं, शुगर क्यूब समझ ही रहे हैं, शुगर क्यूब क्या होती है, शुगर क्यूब हम किसे कहते हैं, शुगर क्यूब जो होती है वो आप देखे होंगे कि चाय में या टी में हम उसको यूज करते हैं, ऐसे क्यूब होती है, ठीक है, तो वो शुगर क्यूब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज जो हम लोगों ने डिस्कस की, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, अगर से हम सभी लोग घरों में भी यूज करेंगे डेली, तो धीरे धीरे हर कोई ये वर्ड्स जो है वो कॉमन हो जाएगा और हम सभी लोग उसका यूज करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रॉकरी एंड कैटलरी। क्रॉकरी इट मीन्स कांच के बर्तन, जो कांच के बर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉकरी कहते हैं, और जो फोक नाइफ सर्विंग स्पून स्पून से दीज आर नोन एज कैटलरी। सो क्रॉकरी कैटलरी ये हो गया, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग वट एवर आई हैव टॉट टूडे, एंड जस्ट लास्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल कि कभी भी इन चीजों को समझने के बाद जानने के बाद स्टॉप मत होइएगा, इसको यूज करिएगा अपने डेली लाइफ में। जब आप यूज करेंगे तो घर में सभी लोग
बोलने लगेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं कलछुल लाओ, हाँ पौना लाओ। तो अगर सोचिए, अगर से हम कलछुल की जगह लेडल यूज करें कि लेडल दे दीजिए, और पौना की जगह हम यूज करें कि सर्विंग स्पून दे दीजिए, तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये कॉमन वर्ड हो जाएगा, सब लोग उसको यूज करने लगेंगे, अच्छा साउंड भी करेगा, और कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिएगा लाइफ में कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि जिस दिन हम ये सीख लिए कि हमें सब कुछ आता है, उस दिन से हमारा आगे बढ़ना रुक जाएगा और प्रोग्रेस होना रुक जाएगा। इसीलिए हर किसी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि इल्म हासिल करो माँ के गोद से लेके कब्र में जाने तक। ठीक है, तो हर इंसान को इल्म यानी शिक्षा हासिल करते रहना चाहिए। जिंदगी भर हम सीखते हैं, वी आर अ लर्नर, और जिंदगी जो है सबसे अच्छी टीचर्स है जो हमें हमेशा सिखाती रहती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।